इस वक्त की बड़ी खबर निकल रही है सुल्ताना के नज़दीकी अलडावता ग्राम पंचायत से। अलडावता ग्राम पंचायत में एक चारदीवारी निर्माण को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। कल जहां अलडावता पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी रमन धनखड़ ने कुछ ग्रामीणों के खिलाफ एक मामला दर्ज करवाया था और आरोपियों की 2 दिन में गिरफ्तारी करवाने की मांग की थी, वहीं आज इस मामले में वार्ड पंचों के साथ साथ ग्रामीण भी आंदोलन पर उतर आए हैं। सुबह गांव में गांव विकास अधिकारी रमन धनखड़ का पुतला फूंका गया। इसके बाद SDM और कलेक्टर से ग्राम विकास अधिकारी को गांव से हटाने और झूठा मुकदमा वापस लेने की मांग की गई। वार्ड पंच हीरालाल ने बताया कि कल सभी पंचों को बैठक में बुलाया गया था, लेकिन वहां पर बैठक करने की बजाय ग्राम विकास अधिकारी रमन धनखड़ और सहायिका सुमन ने उनके साथ जातिसूचक गालियां की। उसके बाद उसने एक चारदीवारी निर्माण को लेकर बात पर झगड़ा करने लगे। शाम को उसे पता चला कि उसके अन्य लोगों के खिलाफ ग्राम विकास अधिकारी ने मामला दर्ज करवा दिया है। पंच हीरालाल ने कहा कि यदि ग्राम विकास अधिकारी को नहीं हटाया जाता है तो अनशन करेंगे, आत्महत्या करेगा और जरूरत पड़ी तो इस्तीफा भी देगा। इधर ग्रामीण योगेंद्र ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी गांव का रिश्तेदार है, उसकी सास ने पिछले दिनों कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, इसलिए वो गांव में विकास की बजाय पार्टीबाजी कर रहा है। उसने उसकी और उसके परिवार की संपत्ति की जांच की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया कि ग्राम विकास अधिकारी साइन करवाने के एवज में चाय पानी भी मांगता है, यदि इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों की ओर से आंदोलन किया जाएगा। ये तमाम लोग आज इकट्ठा आए हैं ग्राम पंचायत अलडावता। ये ग्राम सेवक रमन ने हटवाने की शिकायत लेके अब पुलिस विभाग में भी जा रहे हैं और आगे जुर्म में भी जा रहे हैं। यो रमन गांव को रिश्तेदार है, इसकी सासू जी थोड़ा दिन पहले चुनाव लड़े हो कांग्रेस की टिकट हो, तो ये चुनावी रणनीति के लिए झूठा मुकदमा कर रहे हैं और ग्राम सेवक इस मुद्दे लेके जो विपक्षी पार्टी उन परेशान कर रही है झूठा मुकदमा दर्ज करा रही है। ग्राम विकास में जो भी अपना कार्य हो रहा है एम जनता गण जो अपना बीच में पंचगण खड़े हैं अन्ना कोई नहीं बिना पूछे काम करवा रहे हैं, जो पंच ऑब्जेक्शन ठा रहे हैं तो पंचा पर और गांव की जनता पर मुकदमा दर्ज कराने की बोल रहे हैं। एक मारो भाई है हीरालाल जैन का 170 रुपया जेब हूँ और निकाल लिया और मारपीट करी। कुछ दिन पहले चिंकारा अपने डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने गए हो तो ग्राम से बोले हो पंचायत में चाह बनाने 2 किलो चीनी और 1 KG चाय पत्ती लेके देनी होगी जद होगो। हमारी प्रशासन और मीडिया एक ही विनती है हीरालाल के साथ जो अन्याय है उन के लिए मान्याय मिलो जा और ग्राम सेवक द्वारा 170 रुपया जो निकाले गए वह गरीब आदमी हीरालाल जो मजदूरी करके आपको पेट पोषण कराए वह निकाला जाए दिया जाए माने और कुछ ही गुंजाए प्रशासन और तुरंत प्रभाव हटाए जा, क्योंकि गांव को रिश्तेदारी को मैटर है, 2 पार्टी बाजी होगी गांव को विकास नहीं होगा और इन दोनों की ग्राम सेवक कर ग्राम सेवक का बाप की प्रॉपर्टी की जांच करके जॉइंट पंचायत उपयोग करेगा प्रॉपर्टी की जांच करी जा और जो यो कल राजकारी बाधा डालने को मुकदमा है पंचायत का सदस्य हूँ ग्राम पंचायत का सदस्य हूँ ये विकास के लिए पूछ सकी ग्राम सेवक ने जाके यो चारदीवारी क्या आधार पर कर रहे हो, सिर्फ पंचा यही पूछी या चारदीवारी क्या आधार पर कर रहे हो, ए बात पर तुरंत वो राजकारी बाधा डालने को मुकदमा लगा दियो। आज होना कार्यालय कौन खोलो तो प्रशासन उक्त कार्रवाई करी जाए या कार्यालय क्यों कौन खोलो और जल्द प्रभाव है हटाया जा ना हीरालाल दोबारा पंचायत में अनशन पर बैठे जागो और टंकी पर चढ़ा के तमाम प्रशासन ने बुलाया जागो और जो प्रशासन जिम्मेवार होगा अगले वो प्रशासन खुद होगो, ग्रामीण जन कोई जिम्मेवार नहीं होगो और हीरालाल की जान चली जाएगी तो ये ग्राम सेवक और पंचायत में जो भी कार्य थे ये सदस्य होगा और तमाम परेशान और मीडिया होगी। हमको मीटिंग के लिए कल 5, 7, 9, 8, 21 को कल मीटिंग के लिए बुलाया गया था, हमने जाके वहाँ पे मीटिंग पूछा, कोई वहाँ पे कर्मचारी नहीं था, कोई ग्राम सेवक नहीं था। आने के बाद में उनको पूछा सर हमारी मीटिंग करो, हम भी काम करने वाले धंधा करने वाले हैं, तो वो बोला यहाँ कोई मीटिंग नहीं है, आप तुम्हारा डेढ़िया कौन पंच बना दिया कहाँ भेज दिए, उसने मेरी गलपट्टी पकड़ के और अपने ऑफिस से बाहर फेंक दिया और फिर हमारे ऊपर ही राजकार्य का बाधा डालने का मुकदमा दर्ज करा दिया। तो अगर मेरी ये कोई सुनवाई नहीं हुई तो साहब मैं अनशन पर बैठ के और आत्महत्या करूँगा और इसकी जिम्मेदार होगा ग्राम सेवक और उसी जो कर्मचारी हूँ आपके एक सहायिका है सुमन, ये 2 आदमियों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मेरे को गाली गलौज की है
और ग्राम पंचायत में कोई कार्य नहीं है। हम पंचायत के पंच हैं, इसलिए ये मतलब नहीं कि हम पंचायत के बारे में कुछ पूछेंगे नहीं। जाके वहाँ पे सब पूछेंगे ये कार्य किस चीज़ का हो रहा है, किस काम के लिए हो रहा है। उसमें हमारे को पूछने पे ही उन लोगों ने गाली गलौज की है, तो हम पंच किस काम के हैं। इससे अच्छा तो है गांव के अंदर हम इस्तीफा दे देंगे और यही काम करेंगे सभी।